खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 9 में। मैं अक्षय तिवारी आपका तहे दिल से एक बार स्वागत करता हूँ। रूपवास कस्बे में निर्जला एकादशी पर्व मनाया गया। कोरोना वायरस के चलते सरकार के नियमों का पालन करते हुए महिला पुरुषों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर निर्जला व्रत रखा। इस तिथि पर भगवान विष्णु के लिए व्रत रखा जाता है। इस व्रत में अन्न व जल नहीं लिया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। ये निर्जला एकादशी कहलाती है। भीमसेन ने इस एकादशी के व्रत को किया था, जिसमें सभी एकादशियों का व्रत पुण्य इस एकादशी से मिल जाता है। भीमसेन ने इस एकादशी को निर्जला एकादशी व्रत किया, इसमें जल भी पान नहीं किया, जिस कारण से भीमसेन को इस एकादशी का पुण्य मिला। भगवान ने स्वयं कहा था कि भीमसेन तो स्वर्ग में जाना चाहते हो कि नर्क में, तो भीमसेन ने कहा भगवान नर्क में कौन जाना पसंद करेगा, स्वर्ग में ही जाएंगे। इसलिए भीमसेन ने इस एकादशी को उत्तम व्रत किया, उसी कारण से इस एकादशी का नाम भीमसेन एकादशी भी हो गया, निर्जला एकादशी भी है। ये ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी मनाई जाती है, जिससे बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्यों को 2600 एकादशियों का व्रत का पुण्य प्रभाव उनके लिए मिल जाता है और वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। यही एकादशी ऐसी है। भरतपुर से सतीश सारस्वत की रिपोर्ट। तो ये थी आज की खबरें, बने रहिए हमारे साथ खबर 9।